हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रांसफॉर्मेशन द कॉन्सेप्ट बिल्डर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों को पता है कि आप लोग का ब्लड ग्रुप क्या है? मुझे भी नहीं पता था जब तक मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था। तो हम भारतीयों में ये टेंडेंसी है कि जब तक ज़रूरत ना पड़े हम लोग ये सब चीज़ में किसी चक्कर में नहीं पड़ते हैं, जब तक डॉक्टर ना बोले या कोई काम ना उससे रिलेटेड पड़े। तो आज, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, कि आज हम लोग अपने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देखे होंगे कि ब्लड ग्रुप हम सब में अलग अलग होता है, अलग इंसान में अलग ब्लड ग्रुप होता है। देखने में तो सब एक सा लाल लाल दिखता है, लेकिन उसके कंपोजिशन में फ़र्क होता है और हर इंसान का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। किसी का ए, किसी का बी, किसी का ओ। तो ये क्यों होता है, इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, और उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए। ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, समझ रहे ना? ह्यूमन भी लिखना पड़ेगा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसको याद रखना है किसने डिस्कवर किया, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने, एक साइंटिस्ट थे लैंडस्टीनर। उन्होंने 1900 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। डिस्कवर किया था 1900 में, और 1930 में इनको इसी के चलते नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज इनको मिला था ब्लड ग्रुप को खोजने के चलते, ब्लड ग्रुप के डिस्कवरी के चलते इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इतना बात ये आप लोग याद रखेंगे, किसने खोजा था? लैंडस्टीनर ने। तो ये तो हुआ बैकग्राउंड। तो लैंडस्टीनर ने सर ने बताया कि क्यों ब्लड ग्रुप होता है। उन्होंने बताया कि बेसिकली क्या है कि हम लोग का जो ब्लड आरबीसी होता है उसमें एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और उसका उन्होंने नाम दिया एंटीजन। उन्होंने बताया कि एंटीजन होता है ग्लाइकोप्रोटीन में। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ब्लड के बारे में, ह्यूमन ब्लड के बारे में, तो उसमें हम लोग ने डिटेल में आरबीसी, प्लाज्मा, ये सब के बारे में पढ़ा था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो सब याद होगा। तो उसी में उन्होंने बताया, ऐड कराया बाद में 1900 में, कि आरबीसी जो होता है हमारा, उसमें जो है ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसका नाम उन्होंने, लैंडस्टीनर ने, एंटीजन दिया। बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है प्रेजेंट, किस में प्रेजेंट होता है? तो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, या फिर इसका नाम दिया उन्होंने एंटीजन, और बोला कि ये होता है प्रेजेंट किस में? आरबीसी में, ठीक। उसके बाद बताया कि, बोला लैंडस्टीनर सर ने बताया कि एक और प्रोटीन होता है, अपोजिट काइंड का, अपोजिट तरह का प्रोटीन होता है किस में? तो प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, जिसका नाम उन्होंने दिया एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी, जिसको बताया कि यह ब्लड के प्लाज्मा में होता है, प्रेजेंट होता है। और उसमें भी दोनों को उन्होंने डिवाइड किया, एंटीजन को भी डिवाइड किया एंटीजन ए में और एंटीजन बी में। इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर से, ब्लॉक लेटर से, ठीक है। और एंटीबॉडी को भी बोला कि ये भी, इसको भी उन्होंने ए और बी ही में डिवाइड किया, और इसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया स्मॉल ए और स्मॉल बी से, ठीक। इतना समझ गए ना आप लोग? यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप को पहली बार लैंडस्टीनर सर ने खोजा, 1900 में इसको डिस्कवर किया, उसके चलते उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने बताया कि वो जो हमारे ह्यूमंस में, अलग अलग लोग में अलग अलग ब्लड जो होता है, वो इस वजह से हुआ कि ग्लाइकोप्रोटीन उनमें पाया जाता है एंटीजन, ग्लाइकोप्रोटीन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, जिसका नाम उन्होंने एंटीजन दिया,
और उसको फर्दर डिफरेंशिएट किया ए और बी में, एंटीजन ए एंटीजन बी। और फिर बताया कि एक और प्लाज्मा भी प्रोटीन होता है जो कि थोड़ा अपोजिट नेचर का होता है उससे, एंटीजन से, और उसका नाम उन्होंने एंटीबॉडी दिया और उसको उसे भी ए और बी में क्लासिफाई किया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? क्लियर, समझ गया ना कि ये किस वजह, ठीक, किस में प्रेजेंट होता है? तो आरबीसी में, ये तो समझ चुके हैं आप। दूसरा होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ये किस में प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक। और ये दोनों के मिलने से कौन सा ब्लड ग्रुप बनता है? ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अलग अलग चार्ट में, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फिर इसको हम आप लोग को ट्रिक से याद करने का तरीका भी बताएंगे। देखिए अब क्या होता है कि पहले उन्होंने देखा कि एंटीजन ए, कि जिसमें एंटीजन ए प्रेजेंट हो और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट हो, ठीक। ये तो आपको इससे पहले बताया कि समझ गया ना कि एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, ए स्मॉल ए स्मॉल बी से, और एंटीजन को कैपिटल ए कैपिटल बी से। और यहाँ पर एक बात बता दे, क्लियर कर दे, उन्होंने ही बताया था, हमारे लैंड स्टीनर चचा ने बताया था, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कि जब एंटीजन जो है एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो एंटीबॉडी उसमें बी होगा, और जब एंटीजन बी होगा तो एंटीजन ए होगा, हमेशा अपोजिट मिलके बनाएगा, कभी सेम नहीं होगा। अगर यहाँ भी ए और यहाँ भी ए हो जाएगा, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी अगर हो जाएगा, तो वो खराब ब्लड खराब हो जाएगा, वो एक तरह का डिजीज्ड कंडीशन होगा, बीमार हो जाएगा बंदा, और वो मतलब कि उसका ब्लड जो है स्पॉइल कर जाएगा, सड़ जाएगा, जिसे एक टर्म दिया था उन्होंने, एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड उसको कहते हैं, ये ब्लड उसका ख़राब हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। इसलिए यूजुअली ऐसा नहीं होता है, रेयरली डिजीज किसी को में ऐसा बीमारी हो जाता है तब वैसा होता है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ बी हुआ तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बताइए? ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, ठीक। फिर अगर एंटीजन बी हुआ और एंटीबॉडीज ए हुआ तब कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा? तब ब्लड ग्रुप बनाएगा बी, ठीक। फिर एंटीजन ए प्रेजेंट हुआ और एंटीजन बी प्रेजेंट हुआ और यहाँ दोनों एब्सेंट हो गया, ठीक है, एंटीबॉडी यहाँ कोई प्रेजेंट नहीं है, ना ए ना बी, तो यहाँ कौन सा ब्लड ग्रुप बनाएगा? ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, ठीक। उसके बाद एंटीजन यहाँ जब एब्सेंट हो जाएगा तो यहाँ कौन सा ब्लड और एंटीबॉडी में इस ए एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होगा तो यहाँ ब्लड ग्रुप बताइए कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा, ठीक है, समझे। अब ये कैसे हुआ तो ये उतना रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आसान सा आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसको याद कर रखने का। आप एंटीजन पकड़ के चलिए, ठीक है, एंटीजन ए अगर रहेगा तो यहाँ ब्लड ग्रुप ए होगा, देखिए एंटीजन बी जिसमें प्रेजेंट होगा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, एंटीजन ए और बी जिसमें दोनों होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, और एंटीजन जहाँ एब्सेंट हो जाएगा मतलब है ही नहीं तो मतलब जीरो, जीरो और ओ दोनों एक साथ दिखता है तो जहाँ एंटीजन एब्सेंट तो ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, उसको याद करने का ट्रिक है, बाकी तो आप समझ गए ना, उसमें जब ऐसा रहेगा तो ये इधर अपोजिट काम करेगा और उस तरह से इधर ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए और याद करने का ट्रिक भी समझ गए। उसके बाद और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो, हाँ एक चीज़ और फिर उन्होंने बाद में ऐड करवाया, इतना तो उन्होंने बताया और नोबेल प्राइज़ ले लिया 1930 में और 1900 बता के, फिर 1900 बताया था और 1940 में फिर उन्होंने एक और साइंटिस्ट वीनर के साथ मिलके एक और फैक्टर का खोज किया, कि बताया कि एक और तरह का ग्लाइको प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होता है और उसे को उन्होंने रिसेस फैक्टर का नाम दिया,
जो कि एक रिसर्च मंकी में उन्होंने डिस्कवर किया था, उसी के नाम पर उन्होंने आरएच फैक्टर का नाम दिया। ठीक है, आरएच फैक्टर क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे या फिर सुनते होंगे, किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का ए निगेटिव है, किसी का बी पॉजिटिव, और निगेटिव फैक्टर भी होता है। तो उन्होंने फिर ऐड कराया और बताया कि जिसमें कि आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिसमें आरएच फैक्टर नहीं प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव हो जाएगा, हो जाए रिसेस फैक्टर का। आरएच फैक्टर का खोज किया, ठीक, वो किसके में खोज किया था, एक्सपेरिमेंट किया था मंकी पर, जिसका नाम जो जिसे का वो था रिसेस मंकी, जिसको कहते थे रिसेस मंकी, कभी कभी पूछता है एग्जाम में इसलिए बता दे रहा हूँ। और इसका आरएच को लेके इन्होंने आरएच फैक्टर उसका नाम रख दिया। ठीक है, उसमें क्या कहा कि आरएच फैक्टर जिसमें प्रेजेंट, जिसके ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिसका आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और जिसके वो में आरएच एब्सेंट हो जाएगा आरएच फैक्टर, तो उसका ब्लड ग्रुप जो है आरएच निगेटिव कहलाएगा। मतलब कहने का मतलब उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव हो जाएगा, जो भी हो, ए बी, ए बी ए ओ या जो भी, मतलब अगर उसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो उसका पॉजिटिव कहलाएगा, जैसे ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। और जिसमें आरएच निगेटिव, आरएच एब्सेंट होगा आरएच फैक्टर, उसका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सब क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आप लोग बताते हैं। ये सब तो फैक्टर सारा हो गया आपका। अगर रिटन एग्जामिनेशन में कोई ब्लड पर क्वेश्चन पूछता है तो इस पोर्शन को टेल की तरह उसमें ऐड कर देगा, तो उसमें आपको ये सारा बात लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक में से दो ही क्वेश्चन बनता है, वो मैं बताता हूँ आपको, कि पूछेगा कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, किस कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, बताइए। तो ये हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप को, ठीक, ओ ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और फिर पूछेगा दूसरा कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको कहते हैं, रिसेप्टर या एक्सेप्टर किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप को, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप को कहते हैं आपका। और उल्टा ही पूछ देता है कि ओ को क्या बोलते हैं, तो ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, और ए बी को पूछ देगा कि ए बी को क्या कहते हैं, तो ए बी वाले को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। और कभी कभी ये भी पूछता है कि ऐसा क्यों कहते हैं, तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप वाला जो है वो इसलिए डोनर कहलाता है क्योंकि ये सबको दे सकता है, ये जो है ए को भी देगा, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ लेगा जब भी, तो ले सिर्फ ओ ही से सकता है, ये जब भी लेगा तो ओ से लेगा, लेकिन दे सब सबको सकता है, तीनों को, इसी वजह से इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ये होता इसलिए है क्योंकि इसमें जो है एंटीजन एब्सेंट होता है और दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक, समझ गए। और इस केस में वही उल्टा हो जाता है कि इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर क्यों कहते हैं पूछेगा, तो इसमें क्या होता है कि ये ले तो सबसे सकता है, ये जो है ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा, लेकिन देगा जब भी तो ये देगा सिर्फ ए बी को, ठीक है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ ए बी को देगा और लेगा ए से भी, बी से भी, ओ से भी, ए बी से भी, ए बी से भी तो लेगा ही, जब ए और बी से ले रहा तो ए बी से भी लेगा, तो ये लेगा सबसे लेकिन देगा सिर्फ ए बी को क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन होता है और एंटीबॉडी दोनों एब्सेंट होता है। एंटीबॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए बी में एंटीबॉडी, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे कि ए बी में एंटीबॉडी दोनों एब्सेंट होता है,
तो इस वजह से ये सिर्फ सबसे ले सकता है लेकिन देगा सिर्फ ए बी को, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, ये दोनों को याद रखिएगा पॉइंट को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछेगा इसमें से तो यही दोनों में से एक पूछता है कि यूनिवर्सल रिसेप्टर किसे कहते हैं, या क्यों कहते हैं, या किसको कहते हैं, या ओ को क्या बोलते हैं, या ए बी का कौन सा बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, या यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी है तो क्यों है और क्या बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग कि ब्लड ग्रुप कैसे डिफरेंशिएट होता है, कैरेक्टराइज होता है, और कैसे हर इंसान का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। टिल देन गुड बाय।